विगत दिनों जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए फिदायीन हमले में शहीद अजीत कुमार आजाद के परिवार को ढांढस बंधाने लगभग सभी दलों के जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं इसी क्रम में आज देर रात कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शहीद के परिजनों से फोन पर भी बात की। बहन जी का सभी जनपदवासियों का बहुत सरप्रिय हमारे नेता रही हैं और अभी उनके साथ खानदान नहीं है तब भी बराबर संपर्क और जन कल्याणकारी काम करते रहते हैं और हम लोगों का पूरा पूरा विश्वास रहता है। हमारे 5 बेटे थे, बड़ा बेटा शहीद हो गया, अभी 4 और हैं। बेटी के एजुकेशन के लिए कहा ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, जैसा होगा बहन जी जो हैं आपका सहयोग जैसा होगा करेंगे और कभी भी उनके माध्यम से बात कर लीजिए, मैं आपके साथ हूँ और आपसे मिलूंगा। आज अपने उन्नाव के बेटे शहीद अजीत के यहाँ जब आई है, उसके आने की मूल वजह ये थी कि प्रियंका गांधी जी खुद बात करना चाहती थी परिवार से, तो उन्होंने बात की, उनके पिता से बात की, उनकी बेटी ईशा से बात की जो यहाँ मेरे साथ खड़ी है, और सांत्वना दी, बच्चों की पढ़ाई, दोनों लड़कियों की पढ़ाई के लिए आश्वासन दिया। बल्कि जब ईशा ने कहा मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा प्रॉमिस है, तुमको डॉक्टर बनाने में मैं मदद करूँगी पूरी। तो अच्छा लगा, वो भी एक माँ है और इस वक्त इन छोटी बच्चियों के बातों को इस तरीके से समझकर बोलना सिर्फ एक माँ ही कर सकती है मेरे ख्याल से। जिस प्रेम से, जिस स्नेह से उन्होंने बात की वो अच्छा लगा।